नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, दुनिया में जहाँ भी हमेशा खुश रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें। दोस्तों, मैं अपनी छोटी छोटी वीडियो में, सच में दोस्तों बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाती हूँ। मैं देखती हूँ मेरे कंपेरिजन में यूट्यूब के अंदर काफी बड़ी बड़ी 15 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो होती है और उसके नीचे एक भी कमेंट नहीं होती है कि वीडियो छोटी बनाए। मैं वीडियो 10 मिनट की भी बना दूं तो इसमें कितनी कमेंट आप लोग करते हैं कि वीडियो छोटी बना। अगर मैं वीडियो छोटी बनाती हूँ तो आपके पास उपाय तो आ जाएगा, बराबर। मैं आपको बोल दूं कि आज मंगलवार है, गुड़ जरूर खा लेना, हो गया खत्म, बात खत्म। क्योंकि कंटेंट तो इतना ही है, ये बिल्कुल फैक्ट बात है, आज मंगलवार है, गुड़ खा लेना, बस। तो ये क्या वीडियो बनी? अरे तो शॉर्ट भी नहीं हुआ, राइट। सिवाय कि कोई तांत्रिक क्रियाएं बताई जाए, कोई लंबा उपाय बताया जाए, तो कंटेंट खा लेना मतलब क्यों खा लेना, ये समझाना जरूरी होता है। कई बार समझाने में कुछ समय लगता है और उसमें भी मेरी वीडियो में ज्यादा से ज्यादा 5-6 मिनट लगती है या थोड़ा उससे मुश्किल, तो उसको केयरफुली सुने। क्यों सुनेंगे, समझेंगे तो उस उपाय को करने में आपकी आस्था बढ़ जाएगी, आपका मन लगेगा कि हाँ जो मैं कर रहा हूं उसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक है तो मैं कर रहा हूं। तो ये जो उपाय बता रही हूं दोस्तों, इसको भी आप पहले समझ लो क्यों, उसके बाद करें। वैसे ये जो उपाय है, इस उपाय को करने से आपके घर में धन, मतलब जिसको गुजराती में बोलते अढ़ड़क धन, अढ़ड़क बहुत सारा धन, धन के ढेर पर आप बैठते हैं। कुछ ऐसे ग्रह जो क्रूर होते हैं, जैसे राहु है, शनि है, मंगल है। अब शनि राहु ये जब बर्बाद करते हैं आदमी को तो टोटल बर्बाद कर देते हैं, जड़ से खत्म करते हैं, कहीं का नहीं रहने देते हैं। लेकिन अगर ये ग्रह आपके ऊपर प्रसन्न होते हैं तो दोस्तों धन के ढेर पर बिठाते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। ये उपाय जो मैं आपको बता रही हूं, इस उपाय को करने से आपके राहु प्रसन्न होते हैं। राहु प्रसन्न हुए मतलब पैसों को लेकर के लाइफ में कोई तकलीफ आनी ही नहीं है। पैसे आते हैं और ये नहीं है कि कम मात्रा में आए, लिमिटेड आए, नहीं, आउट ऑफ लिमिट। आपने सोचा भी ना हो इतने पैसे, कई जगह पर आपने देखा होगा, ओ ये इंसान महीने में लाखों रुपए कमाता है, इसकी शक्ल तो देखो, इसकी बुद्धि तो देखो, ये कमाता है, ओहो और कलयुग, इंसान ऐसा बोलता है, ओहो और कलयुग। अच्छे अच्छे लोग बेचारे पूरा पूरा दिन मेहनत करते हैं और महीने में मुश्किल से 40,000-50,000 रुपया लेकर के आते हैं, सुबह निकलते हैं, रात को घर पर आते हैं। कुछ लोग कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा नाच लिया, कूद लिया, कुछ भी छोटा मोटा काम कर लिया और पैसे आ रहे हैं, तो वो ऐसे आते हैं। जब राहु प्रसन्न होते हैं, शनि प्रसन्न होते हैं, तो पैसे बहाने मार कर आते हैं, कोई ना कोई बहाना लगेगा आपको, जैसे मौत बहाने से आती है ना, कोई ना कोई बहाना हुआ मौत आ गई, अरे पैसे भी ऐसे ही आते हैं बहाने से। तो ये जो उपाय है ये आप करके देखो, पैसे बहाने मार मार कर आपके पास आने शुरू हो जाएंगे। राहु दोस्तों सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं तो चंदन से, चंदन या चंदन का इत्र, आप रोज नहाने के पानी में चंदन का इत्र डालें। नहाने के पानी में इसलिए क्योंकि जब आप स्नान करते हैं तो पानी आप सिर से डालते हैं जो पूरी बॉडी पर जाता है, आपके पूरी बॉडी पर से बह करके नीचे जाता है ना। जिस उद्देश्य से आप जिस चीज का यूज कर रहे हैं वो चीज पूरी तरीके से आपके बॉडी पर काम कर जाती है। जो भी उस चीज के अगेंस्ट में काम कर रही है चीज आपकी बॉडी में, उसको बहा कर ले जाती है।
कोई भी नेगेटिव चीज या पॉजिटिव चीज आपकी लाइफ में आती है तो सबसे पहले वो आपकी बॉडी पर इफेक्ट करती है, वो आपको दिखे या ना दिखे, आपके घर में घुसती है दिखे या ना दिखे। जैसी आपकी बॉडी होगी वैसा ही आपका बुद्धि, आपकी दिमाग। अब देखना, आप सोचो नहीं नहीं मुझे तो बहुत अच्छा सोचना है, नहीं मुझे तो 100 किलोमीटर दौड़ करके चले जाना है, मुझे तो मिल्खा सिंह बन जाना है, ये वो। अगर आपके सिर में बेहद दर्द है, पेट में बहुत दुखावा हो रहा है, आपका एक पैर टूट गया है, आप दौड़ पाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि वो तकलीफ आपके शरीर में आ गई। दौड़ना किसको है? शरीर को। तो शरीर की ये इफेक्ट कहाँ होगी? आपके दिमाग पर होगी, है ना। तो आपके जो काम है, जो होते हुए काम है, वो अटक जाते हैं। तो सबसे पहले जैसे नजर हाय बद्दुआ भी उतारी जाती है तो कहां से? आपकी बॉडी से और आपके घर पे से। घर के अंदर वो कहां बैठी है? उसको पकड़कर बाहर फेंका जाता है। उसके बाद ही पॉजिटिव चीजें डेवलप होती हैं जो काम करती है, है ना। तो इसलिए कहती हूं नहाने के पानी में डाल। कोशिश करें मंगलवार, बुधवार, शनिवार, रविवार, और अगर रोज कर सकते हैं वेरी बेस्ट, करके देखें कुछ दिन, आपको खुद को अनुभव होगा क्या होता है। और क्या होता है लिखना जरूर कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर को दोस्तों कभी भी फॉलो ना करें, ना ही नंबरों का कांटेक्ट करें। ये तमाम फ्रॉड लोग हैं जो मेरे नाम से आपको लूट रहे हैं, इनसे सावधान रहें। जय श्री कृष्ण।